हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम अपने नेक्स्ट सैंपल के साथ, कौन सा सैंपल है हमारा? फोर्थ। फोर्थ सैंपल पेपर पे फिर से हमारा फोकस किस पर रहेगा? सेक्शन ए। फिर से कितने क्वेश्चंस होंगे? 16। ओके, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, क्योंकि लास्ट में मिलेगा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज। जो आप, एक तो आपको बायो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में सरप्लस कुछ और भी मिलने वाला है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। लास्ट में एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जहां पर आप मजबूर हो जाएंगे इस चैनल को बार बार ओपन करने के लिए, क्योंकि जो आपका वीक पॉइंट है उसको भी हम बहुत स्ट्रांग करने वाले हैं इसी चैनल पर, जया बायोलॉजी गुप्ता। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेक्शन ए को, सैंपल फोर, सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर वन, कॉनेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, कॉनेल्स का जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने देखा कि जो लार्जर बैनिकल है बैलेनस, वो डोमिनेट कर रही है। किसको डोमिनेट कर रही है? इंटर टाइडल एरिया को, और वहां पर उसी स्पीशीज के जो दूसरे वराइटीज के मेंबर हैं कैथेलमस, उसने क्या कर दिया? उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है बेटा सीधा सीधा हमारा इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का, और हमारे ऑप्शन में कॉम्पिटिशन कहां आ रहा है? दिस। सो द आंसर इज कॉम्पिटिशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर ग्रेजिंग फूड चेन रिप्रेजेंट। ठीक है, जीएससी में ग्रेजिंग फूड चेन में जो पिरामिड है बायोमास का, वो कैसा होगा? देखिए आप, ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम एपेक्स टू बेस, ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टर्शियरी कंज्यूमर, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ बायोमास। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो जीएफसी है हमारी, अगर हम इसमें बात करें बायोमास के फूड पिरामिड के, तो ऊपर जाते जाते प्रोड्यूसर से लेकर टर्शियरी कंज्यूमर तक जाते जाते हमारा बायोमास क्या होता है? डिक्रीज। हमारा पिरामिड कैसा बनता है? अपराइड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टर्शियरी कंज्यूमर। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि एपेक्स से बेस, तो एपेक्स से उल्टा हो गया नीचे बेस, तो हमारा आंसर कौन सा ठीक है? कि बायोमास डिक्रीज हो रहा है प्रोड्यूसर से टर्शियरी कंज्यूमर पर जाते जाते। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए, इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आईवीएफ इन्वॉल्व्स ट्रांसफर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आईवीएफ में हम कहां करते हैं? जाइगोट को कहां ट्रांसफर करते हैं? फैलोपियन ट्यूब्यूल में। आपने टर्म भी पढ़ा है बेटा, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्योरिफिकेशन करते हैं, तो हम क्या ऐड करते हैं? चिल्ड इथेनॉल। सबने कराया हमारा प्रैक्टिकल भी है, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए। तो हम उसमें क्या प्रेसिपिटेट कर रहे हैं? अरे भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या प्रेसिपिटेट कर रहे हैं? डीएनए। सो द करेक्ट आंसर इज डीएनए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो है, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो, इट डिनोट्स। आंसर आपको कुछ वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए। हमारा जो 9:3:3:1 रेशियो है वो कहां आता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब चार ऑप्शन में देखो इंडिपेंडेंट कहां आ रहा है, यहां मिल गया। चले कोई बात नहीं, लेकिन हमें ऑप्शन भी पढ़ना है कि सही बता रहा है नहीं बता रहा है। तो द एलेस ऑफ टू जीन्स, भाई दो जीन्स ली थी हमने, उनके जो एलेस है वो क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है राउंड येलो के साथ ही है या रिंकल्ड ग्रीन के साथ है, उन्होंने नए कॉम्बिनेशन भी डेवलप करे हैं। सो द आंसर फोर्थ इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं बेटा अब हम। ठीक, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली। जो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, बायोस्फीयर की, वो क्या है हमारी जो नेट प्राइमरी? तो भाई सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या है हमारी प्रोडक्टिविटी? 170 बिलियन टन। आपकी ड्यूटी है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ओशियन इसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एनसीईआरटी का सीधा पैराग्राफ है कि 170 बिलियन टन है ओशियन का, बताइए कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर। नॉन सिम्बायोटिक पूछ रहा है इसमें, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर कौन सा है हमारा? तो सीधा आंसर आपको टिक करना है, एजोटोबैक्टर।
बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कल के सैंपल में भी देखा होगा आपने, 3 क्वेश्चंस थे हमारे पास इस तरह से कॉलम 1 और 2 के, ऐसे क्वेश्चंस आप देखिए कहां कहां से पता नहीं आंसर क्वेश्चंस उठकर आ रहे हैं, किस किस कॉन्सेप्ट से हैं। तो मैंने कल भी बोला था कंसेप्चुअल स्टडी बहुत जरूरी है, बेस से पढ़ना हर चीज को, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ गए हो गया काम, छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको जानने हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्लोमस क्या है, फंगस है, माइकोराइजा में पढ़ा था ग्लोमस फंगस है, और फंगस क्या इंक्रीज करने का काम करती है, फॉस्फोरस, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन फॉस्फोरस न्यूट्रिशन। बेसिलस थायरोजेनेंसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीटी, बीटी कॉटन जरूर पढ़ के जाना पेपर के लिए, बीटी किसकी तरह काम कर रहा है, बायो इंसेक्टीसाइड। रूट नोड्यूल्स क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम, और किससे इंडिकेट करते हैं, पिंक कलर का एक पिगमेंट होता है लैग हीमोग्लोबिन। एंड द लास्ट इज लेडी बर्ड, क्या ऑप्शन बचा, लेडी बर्ड किसको किल करती है, मस्क्यूटोस को किल करती है। ऑप्शन देखिएगा और करेक्ट करियो से। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है बेटा, द नेक्स्ट सेगमेंट इज मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी इज सीन। मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहां मिलती है हमें, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, हम कहां जाते हैं, इक्वेटर से पोल पर जाते हैं तब हमारी डाइवर्सिटी घटती है, ठीक, और हम कहां जाते हैं, जब हम लैटिट्यूड से एल्टीट्यूड पर जाते हैं तब हमारी, अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहां है, तो नॉर्थ टू साउथ 25.5 डिग्री पर। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जहां पर हम किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन है यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब जिन्हें बायोलॉजिकली बनाया गया, नेचुरली बनाया गया है। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसमें ऑप्शन आता है आपका बकुलो वायरसेस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरसेस, तो ये भी बायोलॉजिकल ओरिजिन हो गया हमारा। नेक्स्ट है यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर भी, तो मतलब हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, चलिए व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन ऑन एग्रोस जेल। क्राइटेरिया क्या है, आपको मालूम है कि भाई कहां जाते हैं, जो लार्ज साइज होते हैं वो वेल के पास में होते हैं, जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो दूर होते हैं, तो देखो फार्देस्ट वर्ड कहां हुआ है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट द फ्रेगमेंट साइज, जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो कहां होंगे, दूर होंगे सबसे, तो हमारा आंसर ए क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका मैच कॉलम 1, 2, 2, देखिए दूसरा क्वेश्चन रिपीट होगा, मैंने बोला इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। सिग्मा फैक्टर आपको पता होना चाहिए, हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें सिग्मा फैक्टर किसका काम करता है, प्रोसेस को इनिशिएट करने का। कैपिंग, कैपिंग कहां करी जाती है स्प्लाइसिंग में, 5' एंड पर। टेलिंग कहां करी जाती है, 3' एंड पर। और कोडिंग स्ट्रैंड क्या है हमारा, 5 to 3'। बेचारा एक देना भूल गया, तुम्हारे ऊपर तरस कर दिया उसने, लेकिन अगर मान के चलिए जो हमारा बचा है टर्मिनेशन वाला, अगर यहाँ लिखा होता भूल से रो फैक्टर, तो हमारा ऑप्शन हो जाता कौन सा, टर्मिनेशन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन अगर वह सिग्मा फैक्टर करता है तो टर्मिनेशन कौन करता है हमारा, रो फैक्टर। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट, अब अपने सेगमेंट की, अब यहाँ पर आ गए हमारे वही भूल भुलैया वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पर हमें क्या ए बी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उस कंफ्यूजन को दूर करना मेरा काम है, ठीक है, और तैयारी करना आपका काम है, ठीक। चलिए बात करते हैं सेगमेंट पर, इन बेरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग, बिल्कुल सही है, बेरियर मेथड में ओवम स्पर्म की मीटिंग को रोका जाता है, करेक्ट, असर्शन करेक्ट है। बेरियर मेथड आर यूज ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस के समय यूज करे जाते हैं, जब इजैकुलेट हो रहा है सीमेन, जब फीमेल की बॉडी में जा रहा है तो उसको रोकने के लिए, भाई उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप आर एनालाइज्ड, अगर आप स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे एरियाज मिलेंगे कॉन्टिनेंट्स में, जहां पर जेड जो है, जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या आती होती है, उसकी रेंज 0.1 से 0.2। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डेटा गलत है, तो हमारा असर्शन क्या हो गया, गलत, ठीक। जबकि जो वैल्यू है जेड की फ्रुगिवोरस बर्ड्स और मैमल्स की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वो कैसी है, 1 point, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हमारा गिवन डेटा है अलेक्जेंडर वॉर्म हम्बोल्ट के थ्रू, तो हमारा असर्शन क्या है, रॉन्ग, और रीजन क्या है, करेक्ट, तुम्हारा ऑप्शन ए सॉरी डी ठीक हो गया। चलिए अब अगले सेगमेंट पे हम आगे बढ़ते हैं,
बड़े अच्छे अच्छे से दो डायग्राम दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक, क्या कह रहा है ये, चलिए इसकी बात सुनते हैं। गिवन बिलो, ये नीचे दो डायग्राम दे रखे हैं जो कि मॉडिफिकेशन है आपके, ठीक है, किसमें, बोगनविलिया और कुकरबिटा में। अब फिगर्स को ऑब्जर्व करना है और असेस जो असेशन रीजन है उसके आंसर देने हैं। ये बोगनविलिया है, ये कुकरबिटा है। पहले तो मैं बता दूं कि ये दोनों ही क्या है, स्टेम के मॉडिफिकेशन है। इसमें जो है वो है क्या है, थॉर्न, ठीक है, जबकि ये क्या है हमारा, टेंड्रिल। ठीक, आप देखिए ये थॉर्न है, ये टेंड्रिल है, ये किसका काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है ना, और ये किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। आंसर आपको यहीं से मिलने वाला है अभी, इसी इंफॉर्मेशन से। ठीक है, क्या कह रहा है सेशन, गिवन स्ट्रक्चर एक्स वाई शो कन्वर्जेंट, बिल्कुल गलत। मैंने क्या बताया, दोनों किसके मॉडिफिकेशन, स्टेम के, तो ऑरिजन क्या हो गया हमारा, सेम, लेकिन अलग अलग फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो कौन सा एवोल्यूशन है, ये कन्वर्जेंट नहीं है बेटा, ये कौन सा एवोल्यूशन है हमारा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, लेकिन असर्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। स्ट्रक्चर एक्स वाई आर मॉडिफाइड स्टेम दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, दोनों मॉडिफाइड स्टेम है और फंक्शन क्या कर रही है, सेम फंक्शन को कंडक्ट कर रही है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आया आपका, वो कौन सा आ गया बेटा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आया, चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आया वो आया हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए हम, देखिए कितने थोड़े से समय में ही आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिले, केवल अकेले आपको ही नहीं। ठीक, क्वेश्चन, एग्स एल्बुमिनस सीड मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड डू नॉट पजेस एनी रेजिडुअल एंडोस्पर्म, वर्ड से ही पता चल रहा है नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब पूरा डेवलपमेंट होते होते वो पूरा एंडोस्पर्म निपटा देता है, खा जाता है, खत्म कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, असर्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट। वीट, कैस्टर, पी, ग्राउंडनट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एग्स एल्बुमिनस के। नहीं भैया, किसके एग्जाम्पल है, एल्बुमिनस के। तो असर्शन करेक्ट हो गया हमारा और रीजन क्या हो गया, रॉन्ग। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, सी। इस तरह से हमने अपना फोर्थ सैंपल भी किया। अब आपकी ये ड्यूटी है कि इस वीडियो को आप बार बार पॉज करके देखेंगे पूरा, और ये जो 16 क्वेश्चन आज मैंने अलग अलग सारे चैप्टर के इंक्लूड हो गए ऑलमोस्ट, वो बताए हैं, इनको प्रॉपरली तैयार करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट जरूर करा करिए। निश्चित तौर पर आप विश्वास मानिए, अगर आपने एक बार भी मुझे कमेंट करके कहा कि मैम ये है, तो निश्चित तौर पर आपको वीडियो मिलेगी। अब आपने मुझे शायद, मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि भाई आपके लिए वीडियो के बाद लास्ट में सरप्राइज है। तो सरप्राइज है कि बायोलॉजी का चैनल अब केवल बायोलॉजी का ही नहीं रहा, जया बायोलॉजी गुप्ता ही नहीं रहा, अब आपको यहाँ पर वीडियोज मिलेंगी अपने सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिससे आपको सबसे ज्यादा खौफ लगता है, सबसे ज्यादा डर लगता है, बच्चे डरते हैं और उसी सब्जेक्ट को पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। लेकिन अब यही इसी चैनल पर आपको उस सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज मिलेंगे और भी कंटेंट मिलेगा, और वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपको मेरे वीडियो के बाद मिलने वाली है, वो मिलने वाली है फिजिक्स की वीडियो। आपके साथ ज्वाइन होंगे सर, जो आपको फिजिक्स के एमसीक्यूज और भी क्वेश्चन जो है सैंपल के, वो सॉल्व कराएंगे। तो अब देखिए, एक चैनल दो बेनिफिट्स, एक चैनल पर आपको दो बेनिफिट मिलने हैं, आपका जो सब्जेक्ट है बायो वो भी क्लियर हो रहा है, और आपका जो सबसे स्कैरी सब्जेक्ट है आपके लिए फिजिक्स। ठीक है, और जैसे आप यहां आपने मुझे सपोर्ट करा है, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है फिजिक्स में। इसीलिए ध्यान से अभी अगर सब्सक्राइब नहीं कराए चैनल, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाओ, ताकि डेली नोटिफिकेशन मिले, और जो क्वेश्चन जिनसे तुम डरते हो फिजिक्स में, वो भी तुम फिंगर टिप्स पर ऐसे ही तैयार करोगे। ठीक है, तो साथ में बने रहना, सीरीज को तोड़ना मत। अब तुम्हें एक और इसके बाद वीडियो मिलने वाली है, जिसमें तुम्हारे फिजिक्स के एमसीक्यूज भी बिल्कुल, प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द सपोर्ट, बाय।